जो मिलिटेंसी है वो आखिरी पड़ाव पर है। अगर वो मिलिटेंसी आखिरी पड़ाव पर है तो ये चीज आप क्यों नहीं देखते हैं जो रोज बर रोज जो है माइनॉरिटी एम्प्लॉइज का वहां पे टारगेट किया जाता है। हफ्ते में दो दिन बाद टारगेट होते हैं। और ये हमने देखा कि जैसे ही पोस्टर जो है ऑनलाइन शाया हो जाते हैं, जब भी पोस्टर जो होते हैं हम देखते हैं फेसबुक पर। नमस्कार, मैं हूँ अजय है, जम्मू लद्दाख विजन। इस समय तस्वीरें ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज एसोसिएशन फिर से प्रदर्शन करते हुए। मैं ये कहता हूँ कि सरकार कहती है अगर कि ये आखिरी पड़ाव में है तो इन चीज को क्यों नहीं रोक पा रहे आप? ये सरकार से हम पूछते हैं कि साफ तौर पे देखिए टारगेट किलिंग बंद करो। कल भी जो है नॉन लोकल्स पे हमला हुआ और ये काफी समय से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि घाटी में जो है जनाब टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। और महिलाएं भी है हाथों में बैनर लेके, ये देखिए जान है तो जहान है, वी वांट सूटेबल ट्रांसफर पॉलिसी, डॉक्टर सेव लाइफ, एडवोकेट डिफेंड लाइफ, इंजीनियर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, बट टीचर्स मेक जनरेशन। टीचर्स भी प्रदर्शन करते हुए तमाम ये एम्प्लॉयज, आवाज दो हम एक है, स्टॉप टारगेट किलिंग, शहीद रजनी बाला के पोस्टर, शहीद रजनी बाला के पोस्टर, ये आप ये देखे है हक हमारा ट्रांसफर पॉलिसी। काफी समय से तमाम कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है ये एम्प्लॉयज अपनी सर्विस करते थे और 157 डेज से जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आप ये देखिए जनाब, ये देखिए यहाँ पे प्रदर्शन, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जनाब ट्रांसफर पॉलिसी जो है जल्द से जल्द की जाए। आर्टिकल 370 जो है रातों रात खत्म हो सकता है। तो जो एम्प्लॉय जो 2007 से जमा हुए थे कश्मीर में काम कर रहे हैं, तो जम्मू के रहने वाले हैं, मोदी साहब के पास टाइम नहीं है, उनके पास ये फुर्सत नहीं है, हमारे होम मिनिस्टर के पास ये फुर्सत नहीं है कि थोड़ा सा समय निकालकर एक ही काल में आईजी साहब को ये बता दे, इंस्ट्रक्शन पास कर ले कि उनकी पेंशन को दे दो और ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज जो है अगर वो कश्मीर में नहीं कर पाते तो जम्मू में कीजिए, उनको जम्मू में लाइए, उनके रिसोर्सेज को यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। ये ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहा है, सरकार का दायित्व बनता है कि अगर ये इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, इसका संज्ञान लेना। बातचीत करेंगे इनसे और आखिर जानेंगे तो मैम क्या कहना चाहेंगे, पेंडिंग वेजेस भी जो है वो अब तक। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लगातार चार चार पांच पांच महीने की सैलरी सूखी हुई है। हमारे दो डिपार्टमेंट्स आरडीडी डिपार्टमेंट का ऑर्डर निकला है कि इनकी सैलरी रिलीज की है, लेकिन हमारे बहुत सारे यहाँ और भी डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन जिनकी सैलरीज कईयों की एक एक महीने की भी नहीं निकली है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, इनकी त्योहार तो हमारे चले गए लेकिन इनका मतलब कि कई में एक एक अर्निंग हैंड है, तो एटलीस्ट इनकी सैलरीज निकाली जाए ताकि इनका घर का गुजारा हो सके। ये कोई इतने अमीर मुलाजिम नहीं है सर, ये छोटे मुलाजिम है जिनका घर का सिलसिला पूरा पूरा मतलब कि सैलरी से चलता है। और हम ये लगातार इसलिए तो धरने पे बैठे हैं। आप सर, आप कल की बात देख लो, तो दो नॉन लोकल टेस्ट सर, अब वहाँ हालात ठीक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए ये लोग कैसे जाएं, किसी कईयों की वहाँ फैमिलीज है, कईयों की वहाँ पे फीमेल्स अकेली बच्चों को लेके रह रही है, वहाँ बच्चे कईयों के स्कूल में पढ़ते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को आप कैसे दावा करते हैं कि वहाँ हालात ठीक है? कल देखो सर क्या हुआ, मतलब कि शुक्र करो कि उनकी डेथ नहीं हुई है, जख्मी हुए हैं, हम दुआ करते हैं कि वो बेचारे बच जाएं। अब एक बिहार का, एक नेपाल का, वो भी नॉन लोकल्स है ना, जब वो लेटर्स में डाल डाल के ये कि इनको जो जिनका 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया वो कश्मीर खाली कर दो, तो अब इनको सोचना चाहिए। और ज्यादा आप तंग करते हैं, फिर बायोमेट्रिक लगाते हैं, फिर आप सैलरी मतलब कि इंसानियत रही ही नहीं है, है इंसानियत या खत्म हो गई है? डर है नहीं ऊपर वाले का, आप क्या करते हो? मतलब कि एक तरफ लोगों को मार रहे हैं, फिर आप सैलरीज बंद करते हो, फिर बायोमेट्रिक पर्चे निकालते हो कि आओ, तो ये इंसानियत नहीं होती है। तो हम फिर भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा ना करें, इनकी सैलरीज रिलीज की जाए, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी एक फेवरेबल कॉम्प्रिहेंसिव सूटेबल ट्रांसफर पॉलिसी हमारे लिए बनाए। तो अब तो कमेटियां भी बन गई हैं। हाँ जी सर, कमेटियां तो बनी, हम वेलकम करते हैं, लेकिन कमेटियों को रिपोर्ट भी देनी चाहिए।
कोई रिपोर्ट भी दो ना भाई, कमेटियां बना रही, कोई दो महीने पहले, ढाई महीने पहले बनी थी, उसको फिर से उनको मतलब बनाई है, फिर भाजपा ने बनाई है, तो अब तो हम मतलब कि हमारी उम्मीद ज्यादा बढ़ गई है कि इतनी जबरदस्त पॉलिसी हमारे लिए आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब कि इतना टाइम लग रहा है, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा कितना इन्होंने और पेशेंस हमारी कितनी इन्होंने देखनी है। 157 डेज हो गया, कितनी पेशेंस हमारी देख रही है, आपको मतलब कि तरस भी नहीं आता यहाँ छोटे छोटे बच्चे देख के हैं, फीमेल्स देख के, आपके घर में भी बहनें होंगी, माएं होंगी, बच्चे होंगे शायद, क्या यहाँ फिर मुझे लगता है कि इंसानियत खत्म होगी आप में, वो दर्द ही नहीं रहा, आप देखते ही नहीं है कि वहाँ क्या हो रहा है, किसी को शौक नहीं है यहाँ बैठने का, अगर 15 साल से हम वहाँ सर्विस कर रहे थे या कोई 10 साल से 8 साल से वहाँ दे रहे हैं तो आगे भी करता है, लेकिन अब हालात सूटेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ आके बैठे, और जब तक हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बनती और वहाँ सूटेबल हालात नहीं होते तो हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। तो सैलरीज तो हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि सैलरीज रोकी जाए, छोड़ी जाए, सॉरी जो रोकी हुई है वो छोड़ी जाए। हाँ बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये देखिए सैलरीज जो है उनकी बहाल की जाए, और सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जनाब 157 डेज हो गए इनको प्रदर्शन करते हैं, और ये देखिए हर रोज जो है पनामा चौक में यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, और इस उम्मीद से है कि जनाब कभी ना कभी जो है इनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है आएगी। तो जनाब क्या कहना चाहेंगे, कल भी जो है 2 नॉन लोकल्स पे हमला हुआ, लेकिन सरकार दावे करती है कि घाटी में शांति है, इस पर क्या? देखिए दावे क्या है क्या नहीं है वो आपके सामने है, इस पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि 2 दिन पहले एक थ्रेट लेटर वायरल होता है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, और उसके 2 दिन के बाद 40-48 घंटे के अंदर अंदर ही उस थ्रेट लेटर के बाद के एक एक्शन किया जाता है, और जिसमें 2 नॉन लोकल जो वहाँ के जो एम्प्लॉइज थे वो वहाँ पर जो है वो उनके ऊपर अटैक किया जाता है। तो अगर जब अटैक किया जाता है, थर्ड लेटर इशू होता है, उसके बाद अटैक होता है, तो आप देख रहे हैं कि जो ये कर्मचारी पिछले 5 महीनों से बोल रहे हैं, इनका कहना गलत नहीं है, इनकी डिमांड जस्टिफाइड और जेन्युइन है। रविंदर राणा भी आए थे, वो भी यही बोलते हैं कि जेन्युइन डिमांड है, बहुत जल्द होगी, कमेटी का भी गठन हो गया। मैं तो उनसे एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, देखिए आपने यहाँ पे आके आश्वासन दिया है कि ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी, उसके बाद आपने कमेटी भी बनाई, हम उसका बहुत स्वागत करते हैं। अब कमेटी कश्मीर भी एक बार एक दौरा कर चुकी है, हमारी डिमांड ये थी कि सबसे पहले सैलरीज को रिलीज किया जाए, उसके बाद बायोमेट्रिक अटेंडेंस से तमाम माइनॉरिटी इम्प्लाइज को, जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी इम्प्लाइज और PM पैकेज या नॉन PM पैकेज उनको भी एग्जेम्प्ट किया जाए टिल जब तक सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देती है। अब वो कमेटी कश्मीर में गई, कश्मीर के बाद वो जम्मू आए हैं, अब ये हमें पता चला है कि वो तमाम जो कमेटी के कुछ जो खास लोग थे, जो मेंबर्स थे, इलेक्शन हो रहे वो वहाँ चले गए हैं। तो 2 दिन की बात है, अगर मैं इतना ही कहता हूँ कि अगर भाजपा जम्मू कश्मीर की पार्टी ने कोई कमेटी बनाई है तो उसको एक्चुअली काम करना चाहिए और ट्रांसफर पॉलिसी पे के ऊपर जल्द जल्द कोई फैसला होना चाहिए। अगर उनकी बात भी प्रशासन सुनने को तैयार ही नहीं है भाजपा की, तो मैं तो इतना ही आग्रह करता हूं, हमारी बात तो सुन नहीं रहा है कोई, अगर आपकी भी कोई नहीं सुनता है तो मैं आपको दावत देता हूं, आइए आप भी हमारे साथ यहां अंबेडकर चौक पे धरने में बैठिए, उतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। बाकी मुझे पता है अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, सोच समझ के आश्वासन दिया है, और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ देर से ही सही उस आश्वासन को वचन को पूरा करेंगे और ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन आएगी। जब तक ट्रांसफर पॉलिसी की नोटिफिकेशन नहीं आएगी तब तक ये धरना इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अंबेडकर चौक में चलता रहेगा। और साथ में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है ना, ये पक्ष और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, प्रशासन में कौन है कौन नहीं है उसकी लड़ाई नहीं है। मैं सोचता हूँ प्रशासन पक्ष विपक्ष समाज के हर धड़े को आगे आना होगा, ये जो आतंकवाद का दानव है, लेकिन तब तक न जाने कितने लोगों को, कितने बेगुनाह लोगों को ये निगल जाएगा, और जिसका किसी घर का कोई मरता है ना उनको ही पता होता है कि क्या है, मैं इतना ही कहूँगा। तो जनाब ये देखिए घाटी में जो है लगातार टारगेट किलिंग जो है वो चल रही है, उसी के चलते जो है जनाब ये यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी की मांग करके बैठे हैं। ये देखिए जोश अभी भी बरकरार है, सुरजीत दिखाएं, ये देखिए जोश जो है अभी भी बरकरार है, और हाथों में बैनर और उम्मीद
उम्मीद है कि भाजपा सरकार जो है जल्द ट्रांसफर पॉलिसी करेगी। और आपको क्या लगता है जनाब, खबर के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए जम्मू लद्दाख विजन, मेरे साथ कैमरामैन सुरजीत के साथ जय जय भारत।